$100 बिलियन का निवेश और करीब 10 लाख लोगों को जॉब। स्विट्जरलैंड समेत यूरोप के 4 देशों के साथ हुई अहम डील से देश को इतना बड़ा फायदा होने वाला है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अन्य 3 सदस्य देश हैं नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टाइन। इन यूरोपियन देशों की कंपनियां अगले 10 साल के अंदर भारत में $50 बिलियन और फिर अगले 5 साल में $50 बिलियन का निवेश करेंगी। विदेशी कंपनियां भारत आएंगी तो मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी। पिछले 16 साल से इस डील के लिए कोशिशें जारी थी और 13वें दौर की चर्चा के बाद 2013 में बातचीत पर विराम लग गया। अब जाकर इस समझौते पर मोहर लगी है। TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का एक और बड़ा फायदा होगा, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, यानी इन देशों से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। जैसे कि सोना, स्विट्जरलैंड से होने वाले कुल आयात में 80% हिस्सेदारी सोने की ही है। स्विस कंपनी रोलेक्स, ओमेगा और कार्टियर की घड़ियों के साथ साथ चॉकलेट्स भी सस्ते हो जाएंगे। इन आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करते हुए अगले 7 साल में इसे फ्री कर दिया जाएगा। वाइन भी सस्ती हो जाएगी, जिस पर फिलहाल 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। $5 से $15 तक की शिपिंग प्राइस वाली वाइन पर तुरंत प्रभाव से 50% की कटौती की जाएगी और 10वें साल से इसे 50% पर सीमित कर दिया जाएगा। मशीनरी और मेडिकल डिवाइसेज भी सस्ते होंगे और FMCG सेक्टर की स्विस कंपनी नेस्ले के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस डील का बड़ा फायदा EFTA देशों से ट्रेड डेफिसिट कम करने में भी होगा। पिछले वित्त वर्ष में इन देशों से भारत ने करीब $17 बिलियन का आयात किया, जबकि निर्यात करीब $2 बिलियन का ही हुआ, यानी करीब $15 बिलियन का घाटा। सर्विस सेक्टर में मजबूती रखने वाला भारत EFTA देशों के जरिए यूरोप में अपने पांव पसार पाएगा। सर्विस एक्सपोर्ट के जरिए व्यापार का संतुलन भी बन पाएगा।